हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आइए दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे टमाटो से फेशियल कैसे करना चाहिए, टमाटो हमारे फेयर स्किन के लिए कितना फायदेमंद और कितना अच्छा होता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी आप स्किन वाइटनिंग के लिए टमाटो को कैसे इस्तेमाल करें। टमाटो से हमारी स्किन बिल्कुल फेयर और ग्लोइंग होती है और टमाटो हमारी स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं आप टमाटो से कैसे अपना घर पर ही फेशियल करें। फ्रेंड्स, हम कई तरह के हम ऐसे प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं जो हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं, तो क्यों ना हम नेचुरल तरीके से ही फेशियल करें। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम आपको बताएंगे कि आप टमाटो से कैसे फेशियल करेंगे। सबसे पहले हम अपने टमाटर को ग्राइंड कर लेते हैं और इसका जूस निकाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जूस निकल कर तैयार हो चुका है। टमाटो का फेशियल हमारी स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर हम इसे महीने में एक या दो बार इस्तेमाल करेंगे तो हमारी स्किन फेयर और ग्लोइंग और सुंदर दिखेगी। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम आपको बताएंगे आपको टमाटो का फेशियल किस तरह करना है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगी इसका फर्स्ट स्टेप, जो कि क्लींजिंग फेस मास्क है। उसके लिए हमें आवश्यकता होगी मिल्क की और टमाटो जूस की। दोस्तों, इस रेमेडी को बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फ्रेंड्स, यह नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपने बाउल में 1 स्पून मिल्क डालूंगी और फ्रेंड्स, इसी के अंदर हमें ऐड करना है टमाटो जूस। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी और फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें अपनी स्किन पर इसे अप्लाई करना है। देखिए फ्रेंड्स, आपका क्लींजर तैयार हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगी इसे आपको किस तरह अप्लाई करना है। देखिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले कॉटन लेंगे और कॉटन से इसे अप्लाई करेंगे। आपको अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है और वॉश करने के बाद इसे कॉटन इसमें डिप करके अपनी स्किन पर इस तरह अप्लाई करना है। दोस्तों, दूध और टमाटो से इसे क्लीन करने से आपकी स्किन ग्लोइंग और वाइटनिंग होती है। दोस्तों, मिल्क में विटामिन और न्यूट्रिएंट होता है जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है और हमारी त्वचा को नरिशिंग और लाइटिंग करता है। टमाटो का रस हमारी त्वचा को नरिशमेंट देता है जिससे हमारी त्वचा फेयर और ग्लोइंग होती है। और देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, ऐसे क्लीन करने के बाद इसे 15 मिनट तक रखिएगा और उसके बाद अपनी स्किन को अच्छे से धो लीजिएगा। दोस्तों, अब हम स्क्रबिंग के लिए पेस्ट बनाएंगे। उसके लिए हमें आवश्यकता होगी बेसन की, 1 स्पून बेसन, 1 स्पून चीनी और फ्रेंड्स, अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। दोस्तों, यह हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा पेस्ट है और इससे हमारी स्किन अच्छे से स्क्रब होगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारा स्क्रबिंग बनकर तैयार हो चुका है। अब एक हाफ टमाटो लीजिए, अपने स्क्रबिंग में डिप करके इसे अपने हाथों पर अप्लाई कीजिए। इसे धीरे धीरे स्क्वीज करते रहिए। फ्रेंड्स, यह डेड सेल्स को रिमूव करने में बहुत ही लाभदायक है और फ्रेंड्स, इसे धीरे धीरे ऐसे ही स्क्रब करते रहिए, इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होता है। फ्रेंड्स, इसे कम से कम आपको 5 मिनट तक ऐसे ही स्क्रब करना है और फिर अपने हाथ को धो लीजिएगा। फ्रेंड्स, लास्ट स्टेप है फेस पैक। फेस पैक के लिए हमें आवश्यकता होगी टमाटो पेस्ट की। सबसे पहले हम अपने टमाटर को ग्राइंड कर लेते हैं और इस तरह का टमाटो पेस्ट बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने टमाटो पेस्ट किस तरीके का लिया हुआ है। आपको इसी तरह का टमाटो पेस्ट बनाना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टी स्पून दही, 1/2 टी स्पून शहद और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 स्पून बेसन और अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। देखिए दोस्तों, आपका पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। अब इस फेस मास्क को अपने चेहरे पर लगा लीजिए। फ्रेंड्स, इसमें एस्ट्रोजन प्रॉपर्टीज है जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद है और ये स्किन टोन को लाइटिंग करता है। दोस्तों, ग्राम फ्लोर हमारी स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। यह हमारी ऑयली त्वचा को भी अब्जॉर्ब करता है और इससे हमारी वाइटनिंग त्वचा भी होती है। इसे आप हफ्ते में 2 से 3 बार जरूर अप्लाई कीजिएगा। यह आपकी स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी और फ्रेंड्स, इसे अब आप 15 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ दीजिए और फ्रेंड्स, 15 मिनट इसे रखने के बाद आप अपने फेस को वॉश कर लीजिए। आप इस पैक को अगर एक बार ही इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद ब खुद देखेंगे कि आपकी स्किन पर कितना अच्छा रिजल्ट आया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली एक नई वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।